सिंह आपके लिए लेके आई हूँ मक्के की मठरी। जी हाँ, मक्के की मसालेदार यमी टेस्टी मठरी। ये बहुत हेल्दी होती है, फ्राइड है, डेफिनेटली फ्राइड है, परंतु जैसे मठरी बनाते हैं मैदे की तो वो मैदा चिपकता है, तो वो मैदा आउट हो जाता है। और सर्दियों में मक्का बहुत हेल्दी रहता है, मक्का इज़ गुड फॉर डाइट, मक्का इज़ गुड फॉर कैल्शियम, एंड मक्का आपकी इम्यूनिटी, हाँ इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। तो ये बहुत ही यूनिक टाइप की मठरी है, बहुत यूनिक तरीके से बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और इसे आपका प्यार, भरपूर प्यार मिलेगा लाइक्स में, कमेंट्स में, और इसे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ मैं शचि गर्ग सिंह आपको ले चलती हूँ अपनी किचन की ओर, और बनाते हैं मक्के की मठरी। इस मठरी को आप एयर टाइट डिब्बे में 1 महीने तक आराम से पैक करके यूज कर सकते हैं, चाय के संग, नाश्ते के संग, टिफिन के साथ। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है और बहुत आसान भी होती है। तो चलते हैं, किंतु परंतु अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कीजिए, जैसे जब जब हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके फोन की घंटी मिले और आप और हम बार बार मिल सके। बस इसी उम्मीद के साथ मैं शचि गर्ग सिंह चलती हूँ किचन की ओर, और बनाते हैं आज मक्के की मठरी। मक्का आजकल बाजार में खूब आसानी से अवेलेबल है, तो इसकी मठरी बनाने के लिए हमने ये करीब 600 ग्राम मक्के का आटा लिया है। इसमें हमने ये हींग डाली आधी चम्मच, 1 चम्मच भर के हमने अजवाइन, जीरा, तिल, सफेद तिल, ये सर्दियों में बहुत ही हेल्दी रहते हैं, गर्म होते हैं, इनमें बहुत कैल्शियम होता है, कस्तूरी मेथी और नमक स्वाद अनुसार। इन चीजों को अच्छे से हम आपस में मिला लेंगे और ऐसे बीच में करके हम ये डालेंगे 2 चम्मच तेल, और इसे हम खूब अच्छे से मसल लेंगे और इसको हम गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंध लेंगे। तो ये ऐसे बनने लगे तो हमारा मोहन यानी तेल सही हो गया है। इसमें हमने पानी डालने से पहले करीब 1.5 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, इससे स्वाद बढ़ेगा। और जैसे सर्दियों का मौसम है तो मठरियों में गर्माहट बढ़ेगी, काली मिर्च बहुत गर्म होती है और गले के लिए बहुत फायदेमंद होती है। 15 मिनट हो गया है, हमारा ये आटा अच्छे से बन गया है। इसको हम एक बार दोबारा से मसल लेंगे जिससे इसमें दोबारा से लस आ जाए, और फिर हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेंगे। तरीके से हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे और इसको हम अपने आपके मनपसंद साइज के हिसाब से कर सकते हैं, जितनी बड़ी और मोटी आपको मठरी बनानी हो। बेलेंगे पर हाथ से दबाते हुए, अपनी हथेलियों का जोर देते हुए। अब हम अपने घी को चेक करेंगे, थोड़ा सा हम आटा डालेंगे, देखिए ये एकदम ऊपर आ जाए तो हमारा आटा तेल तैयार हो गया है। तो हम अपनी फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और ये जो डाला है इसको हम निकाल लेंगे। अब हम एक एक करके इसमें अपनी मठरियां लगाएंगे। अब इनको हम हल्की आंच पे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी अजवाइन और मेथी की महक आ रही है। अजवाइन और मेथी, आहा हा हा, क्या महक आ रही है अजवाइन, हींग और मेथी की। देखिए
कितनी सुंदर लग रही है, और जब इसको खाएंगे तो इसका वो कुरकुरापन, वो काली मिर्च का स्वाद सबको बहुत भाएगा। इसको हम मीडियम ही फ्लेम रखेंगे जिससे ये अंदर तक खूब कुरकुरी सिक जाए। ये बिल्कुल नया स्वाद होगा और इसको ठंडी होने के बाद आप एक महीने तक एयर टाइट डिब्बे में रख के खा सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम का चाय के साथ मजा लीजिए मक्के की मठरी के साथ। लग रही है सुंदर? रेडी है आपके लिए सर्दियों में चाय के साथ के लिए एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसमें ना मैदा है ना गुलिट जो पेट में चिपकेगा, और ये आराम से आप एक बार बना के 20 से 25 दिनों के लिए एयर टाइट डिब्बे में रख सकती हैं। परंतु इसको ठंडा होने के बाद ही डिब्बे में रखिएगा और इसे चाय के साथ सर्व कीजिए, चटनी के साथ सर्व कीजिए, अचार के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत टेस्टी है, कुरकुरी है, बहुत बहुत मज़ेदार है, और इसको भी आपके परिवार के लोग खूब इंजॉय करेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ कि इस रेसिपी को भी आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा, मैं शक्की गर्ग सिंह आपसे विदा लेती हूँ। किंतु परंतु अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपना प्यार अपने लाइक्स और शेयर के साथ दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ खूब 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 शेयर कीजिए। बस इसी उम्मीद के साथ मैं शची गर्ग सिंह विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।